नमस्कार युवा साथियों, एक गाना तो आपने सुना ही होगा जिसका मुझे था इंतजार, आखिर वो घड़ी आ गई। वास्तव में दोस्तों, जिस खबर का मैं इंतजार कर रहा था, जिस खबर को आप तक पहुंचाना वाला था, वह खबर आ चुकी है। GDS भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ में आ चुका है और इसमें पुरुष कैंडिडेट्स फर्जी तो है ही, फर्जीवाड़े में महिला कैंडिडेट्स ने भी अपनी भागीदारी निभाई है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे तो ही आपका भविष्य के लिए कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी से क्लासेस सबसे पहले सच को बताने की कोशिश करता है, झूठ का उजागर करता है। प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट GDS की जो 44,228 पदों पर भर्ती आई हुई है, इसकी पहली मेरिट सूची 21 सर्किल्स की रिलीज कर दी गई है। पहली मेरिट सूची में बात करें सिलेक्शन की, तो इसमें सिलेक्शन जिसका हुआ है वह अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अब लास्ट डेट पूरी तरीका से समाप्त हो चुकी है, जो 6 सितंबर तक ही थी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी पकड़े गए हैं, कुछ महिला कैंडिडेट्स पकड़ में तो आई, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो कर्मचारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, उनकी आंख में मिर्ची झोंक कर चली गई, जैसे ही उन्होंने पुलिस बुलाने की सोचा। उस खबर को बताऊंगा और जिस खबर का था इंतजार वो घड़ी आ ही चुकी है। प्यारे साथियों, भले कुछ बच्चों को ये चीज बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन ये आपको गुड न्यूज दे रही है खबर, ये आपको खुशखबरी दे रही है। जिनका GDS की भर्ती में फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आने वाली लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वह कहीं ना कहीं खुशी बांट सकते हैं। प्यारे साथियों, धीरे धीरे कचरा बाहर होने लगा है, और मैं कहता हूं हमेशा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे फर्स्ट लिस्ट आई है, इसमें कुछ कचरा बाहर हुआ है, सेकंड लिस्ट आ रही है, उसमें कुछ कचरा बाहर हो जाएगा, थर्ड फोर फाइव सिक्स आने वाली लास्ट लिस्ट में सभी मेहनती और गरीब बच्चों का सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए प्यारे साथियों, इस बोर्ड से हटकर उस खबर को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस खबर को सुनकर के, जिस खबर को पढ़ करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सभी को कसम है GDS की नौकरी की, इस खबर को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि हर गरीब बच्चे के पास पहुंच जाए, हर सच्चाई को जो उजागर करना चाहता है उसके पास ये खबर पहुंच जाए, ताकि पता तो चले कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कितनी मेहनत कर रहा है। मैं थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इंडिया पोस्ट ऑफिस के उन अधिकारियों का, जो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनी सच्चाई को बरकरार रखते हुए, अपनी ईमानदारी का परचम लहराते हुए फर्जी बच्चों के खिलाफ एक्शन से ले रहे हैं। ये जो सच्चे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। चलते हैं उस खबर को पढ़ते हैं, और उस खबर को पढ़ने के बाद धुआंधार शेयर करेंगे, ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था बोर्ड पर, इसी खबर को लेकर ये खबर आप पढ़िए और इस खबर को ध्यान में लीजिए। पुलिस के आने से पहले फरार हुई फर्जी सर्टिफिकेट वाली दो महिलाएं, साफ साफ आपको दिख गया कि जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाना चाहा और वह दो महिलाएं थी, लेकिन पुलिस आने से पहले ही वो फरार हो गई, निकल गई। क्या मामला है, चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए दो चयनित महिला अभ्यर्थी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में पाई गई फर्जी, यानी कि जो GDS की अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है 44,228 पदों पर, इसकी फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे यहां पर पकड़ में आए हैं। क्या मामला था कि लिस्ट में तो इन्होंने नाम ले लिया है, लिस्ट में तो कोई भी नाम ले सकता है, अभ्यर्थी फर्जी होते हैं, 95% डाल लेते हैं, 100% डाल लेते हैं, और ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। लेकिन
कुछ हद तक कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये खबर आ जाती है और उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। लिस्ट में नाम आ जाने से कोई जीडीएस की नौकरी नहीं मिल जाती प्यारे साथियों, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ ली गई है। दूसरे के सर्टिफिकेट पर नाम उम्र तक आधार में करा लिया था परिवर्तन। ये देखिए, किसी और का सर्टिफिकेट था और की मार्कशीट थी, उसमें चेंजेस करवा लिया था। ये सबसे बड़ी घटिया किस्म की मैं मानता हूं वारदात। ऐसा करने से एक गरीब मेहनती बच्चे का रोजगार छीना जा रहा है। ये खबर है दोस्तों सहरसा की। सहरसा एक बिहार राज्य के अंदर आता है। मुख्य डाकघर स्थित डाक अधीक्षक कार्यालय में डाक अधीक्षक मनोज कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा बुधवार से 6 सितंबर तक नव चयनित ग्रामीण डाक सेवकों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कार्य शुरू हुआ। आपको पता होगा 6 सितंबर तक हिंदी भाषी सर्कलों के फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के पहले दिन बुधवार को चयनित दो महिलाएं चयनित यानी कि फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम आ चुका था, अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट लेकर वेरिफिकेशन के लिए पहुंची, जहां जांच में सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया। थैंक यू सो मच डाक विभाग के कर्मचारियों, एसटीबी कहीं ना कहीं इस बार गठित की गई है, 3D इंस्पेक्शन ने ये अच्छा काम किया कि आपके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कम से कम फर्जीवाड़ा पकड़ा है। नेक्स्ट पढ़िए, जिसके बाद इसकी सूचना सदर थाना को दी गई यानी पुलिस को दी गई। इस बीच फर्जी सर्टिफिकेट वाली दो महिला अभ्यर्थी मौके से फरार होने में सफल रही। डाक अधीक्षक श्री कुमार ने बताया, क्या बताया डाक अधीक्षक श्री कुमार ने, कि प्रमंडल के तहत कुल 220 ग्रामीण डाक सेवकों का चयन ऑनलाइन माध्यम से किया गया, यानी कि सहरसा से 220 कैंडिडेट्स का नंबर आया। सभी सफल ग्रामीण डाक सेवकों का बुधवार से 6 सितंबर तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य बुधवार से शुरू हुआ। सुबह से दर्जनों अभ्यर्थियों को गठित कमेटी के माध्यम से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान दो महिला अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट फर्जी लगने पर पूछताछ की गई, साथ ही प्रस्तुत आधार एवं प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसको लेकर सदर थाना को सूचित किया गया एवं महिला अभ्यर्थी को बाहर बैठने को कहा गया। लेकिन इस बीच मौका मिलते ही फर्जी महिला अभ्यर्थी फरार होने में सफल रही। उन्होंने कहा कि महिला अभ्यर्थी ने दूसरे के सर्टिफिकेट पर आधार में नाम एवं उम्र तक बदल ली, लेकिन सर्टिफिकेट में फोटो नहीं रहने, वोट का नाम गलत रहने पर संदेह हुआ, जिस पर पूछताछ में अभ्यर्थी सही जवाब नहीं दे सके। शंका के आधार पर उनको कहीं ना कहीं पकड़ लिया गया। ये खबर है दोस्तों। वास्तव में दोस्तों यहां पर ये जो आपको कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बार दोस्तों डाक विभाग ने एक अच्छा काम किया है। क्या काम किया है कि एसटीपी गठित की गई है। क्या की गई है? SDP गठित की गई है, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें अच्छे से अभ्यर्थी पकड़ में आ रहा है। जिसने फर्जी तरीके से मेरिट लिस्ट में नाम लिया और वो चालाकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, वो पूरी तरीके से पकड़ में आ रहा है। ये आपके सामने प्रूफ है। अब दोस्तों खुशी की बात यह है कि आने वाली मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट कुछ ही दिनों के अंदर आ रही है, थर्ड भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, फाइव भी आएगी और भी आएगी। इन मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी, आप ये समझिए कि कचरा बाहर हो रहा है, फर्जी कैंडिडेट्स पकड़ में आ रहे हैं। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सफल होगी। आपने मेहनत से भले 80% क्यों ना बनाया हो, आपका नंबर दिलवाने में हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस खबर को उजागर करने का मेरा मकसद ये है कि मैं एक गरीब और मेहनती बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इस जीडीएस की भर्ती को दिलवाने में सफल रहूं, जीडीएस की नौकरी को दिलवाने में सफल रहूं। बाकी इस खबर को बताने का मेरा मकसद ये नहीं कि किसी महिला के खिलाफ मैं बोल रहा हूं या फिर किसी डाक विभाग के कर्मचारी के खिलाफ मैं बोल रहा हूं। इस खबर का मेरा मकसद केवल यही है कि जो खबर आई है ये कहीं ना कहीं ऐसी खबर बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि वास्तव में कहीं ना कहीं इंडियन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, इंडियन पोस्ट ऑफिस ठीक है, क्योंकि वो इंडियन पोस्ट ऑफिस को कहीं हद तक गलत ठहराते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस कभी गलत नहीं हो सकता। ये आज आपके लिए खबर ये बहुत कुछ मायने रखती है। इस खबर को फैला दो और इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। आप अगर लाइक शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ही भविष्य इस खबर से बनेगा, क्योंकि आने वाली लिस्ट में और फर्जीवाड़ा पकड़ में आने वाला है। थैंक यू सो मच। जय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।